हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। दोस्तों, बैंक नोट प्रेस देवास में रिक्वायरमेंट आई है। इस जॉब से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। यहाँ पे सुपरवाइज़र और टेक्नीशियन का पोस्ट आया है और इसका ऑनलाइन स्टार्ट दोस्तों 3/7/2019 से लेकर 2/8/2019 तक इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देखिए वैकेंसी का डिटेल दे दिया है और साथ ही साथ इसका पे स्केल 26,000 से लेकर 1,00,000 पर मंथ यहाँ पे दिया हुआ है। पे ग्रेड पे लेवल यहाँ पे देख सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का हम आपको तरीका बता देते हैं, कैसे आपको डाउनलोड करिएगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार देख लीजिएगा इस पीडीएफ को डाउनलोड करके, और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा। 3 जुलाई से इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, तो एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे ऑनलाइन करने का। इससे पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाउनलोड करने का देख लीजिएगा। तो चलिए डाउनलोड करने का आपको प्रोसेस बता देते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जैसे क्लिक करिएगा आपको कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट के सबसे नीचे आपको चले जाना है, सबसे नीचे चले जाइएगा और यहाँ पे आपको टिक मार्क का चिन्ह लगाना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और कुछ सेकंड वेट करना है आपको, और क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पूरी स्टेप बाय स्टेप देख ले, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर फिर से आपको एक न्यू टैब खुलेगा, तो सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ पर देखिए काउंटडाउन चल रहा है 10 सेकेंड। जब 0 सेकेंड हो जाएगा आपको यहाँ पर गेट लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। गेट लिंक प्लीज़ वेट, अभी है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर वंस गेट लिंक का ऑप्शन आने देते हैं। यहाँ पे देखिए 0 सेकेंड हो गया और यहाँ पे गेट लिंक आ गया, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो तरह का टैब खुल जाएगा आपको, यहाँ पे आप क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे देखिए बाइक में इस वाली बाइक वाले पेज पे आपका पीडीएफ खुल के सामने आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और ये देखिए पीडीएफ खुल के सामने आ जाएगा। आप इस यहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ, ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है इसके लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है, और भी सारा डिटेल आपको बता देते हैं, और इसका स्टेप बाय स्टेप सारा एप्लीकेशन फ़ी बता देते हैं, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सारा कुछ हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे पोस्ट जैसे जूनियर टेक्नीशियन है उसके लिए डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, फुल टाइम आईटीएस सर्टिफिकेट इन डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कंटेनिंग टेक्नोलॉजी। तो आपके पास 10th+ ITI और इस ITI जो आपका सर्टिफिकेट है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका रहना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद सुपरवाइज़र का भी अलग अलग यहाँ पे जो भी पोस्ट है, यहाँ पे सुपरवाइज़र का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सुपरवाइज़र के लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से रहना चाहिए, BTEC या बी इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो ये है आपका ट्रेड। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी बता दे रहे हैं कितना एप्लीकेशन फ़ी रह रहा है फॉर्म को भरने में। इसका स्टार्टिंग डेट 3 जुलाई से है, 3 से है इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ी वाले सेक्शन में एग्जामिनेशन फ़ी 400 रुपये, यानी कि 400 रुपया फॉर ऑल एप्लीकेंट इच पोस्ट, यानी कि अगर सुपरवाइज़र का है और टेक्नीशियन का है दोनों भरना चाहते हैं दोनों भर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग आपका फ़ी पेमेंट करना होगा, यानी कि दोनों भरिएगा 800 रुपया लगेगा। अगर आप लोग SC ST PWD एक सर्विस मैन है तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, फ़ी एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि उन्हें छूट दिया गया है। तो अब एप्लीकेशन फ़ी देख ही लिए हैं और जब इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो हम आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे और ऑनलाइन करने के भी हम आपको प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इसमें CBT, उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका भी यहाँ पर सिलेबस भी दे दिया है, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप PDF में डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा, वैसे हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे ही देंगे जब इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 3 जुलाई से। तो डाउनलोड करके पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, और भी वैकेंसी है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अभी भी उसका लास्ट डेट बचा हुआ है, तो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, जाके देख लीजिए।